हेलो गाइस, वेलकम। देखिए, हम सरसों काटने आए हैं। 4 दिन से सरसों कटा रही है, 5 दिन हो गया होगा। एक एक क्यारी काटते हैं और एक घास जो है, ये घास मम्मी कटवाती हैं इसलिए ताकि हमारी गाय माता जो हैं उनके लिए, और एक सोना नाम की भैंस है उसके लिए कटवाती हैं। और सरसों को नहीं दे, एक हमारी सोनाली नाम की गऊ माता थी जो अब नहीं है, मतलब उनको गौशाले में भेज दिया गया क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। और बताइए गाइस, देखिए कितना अच्छा सीन है। देखिए सरसों काटते काटते बाल बाल बिगड़ गए हैं सब। और देखिए शाम होने वाली है, अब घर जाएंगे हम लोग। सरसों काट चुके हैं, थोड़ा सा ही काटना है, और मम्मा घास भी काट चुकी हैं और सरसों रखी है। सरसों बहुत ज़्यादा झड़ रही हैं और आसपास में बहुत लोग देख रहे हैं वीडियो बनाते हुए, इसीलिए अब शाम होने वाली, दिन ढलने वाला है, इसीलिए धूप इस तरफ आ रही है, नहीं तो इस तरफ आती। और बताइए आप लोग ठीक हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे, क्योंकि आज है शिवरात्रि और सभी लोग व्रत होंगे तो घर पर ही होंगे, हमारी तरह खेतों में सरसों थोड़ी काट रहे होंगे। देखिए इतनी ही बची है, बस इतना काट कर घर चल जाएंगे। कुछ गलत हुआ क्या? घरे चल जाएंगे मतलब ना, घर चले जाएंगे। और देखिए गाइस, सूर्य भगवान अभी डूबने वाले हैं, कोने पर पहुंच चुके हैं अपने घर के दरवाजे पर। और देखिए कितनी अच्छी रोशनी आ रही है। और ये हमारी मम्मा जी घास काट रही हैं, धूप बहुत ज़्यादा थी इसलिए सर पर दुपट्टा बांधी है। और देखिए हम लोगों के पास यही नदी है, पास में नदी है। और देखिए कितना जंगल है यहाँ पर, इतनी नील गाय रहती है ना, सभी फसलों को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। ये हमारी सरसों कब की हो चुकी रहती, लेकिन इसे बार बार खा खा कर एकदम ख़त्म करती जा रही थी। और देखिए आप लोग, यहाँ पर मतलब ज़मीन ना ऊंच खाल बहुत रहती है, कोई बराबर खेत नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये नदी का किनारा है ना, इसीलिए।